व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ बिलाल। इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट बैच इन बूटस्ट्रैप 4। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में देखेंगे बैच को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखिए, हमारे पास जो बैचेस हैं, हमारे से माय नेम इज़ बिलाल, ठीक है। एंड दिस, ये सारे बैचेस हैं, ये देखिए हमारा फुल राउंडेड है, ये थोड़ा सा कम राउंडेड है, ठीक है। तो सब बैचेस की क्लासेस हैं। तो गाइस नोटिफिकेशन को भी हम इस तरीके से शो अप कर सकते हैं कि भी आपको नोटिफिकेशन इस तरह आपके अनरीड हैं या जो भी हैं, तो इसको हम डायनामिकली जो है वो हम मुख्तलिफ फ्रेमवर्क को यूज़ करके, जैसे लेरवल को हम यूज़ कर सकते हैं, हम उसको डायनामिक बना सकते हैं। तो गाइस बात करेंगे कि अब ये बैचेस जो हैं वो बूटस्ट्रैप में कैसे क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एडिटर में जाते हैं और यहाँ पर एक फ़ाइल जो है मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, बैच के नेम से, batch.html, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर जो है html का स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, b4cdn, ठीक है, सेव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक क्लास ऐड करता हूँ, क्लास bgscandry, डार्क करता हूँ बल्कि इसको डार्क, सेव। और यहाँ पर गाइस एक h1 लेता हूँ मैं और यहाँ पर लिखता हूँ बैच एंड बूटस्ट्रैप 4, ठीक है, सेव। अगर मैं इनको क्लास दूँ, टेक्स्ट दूँ सेंटर, ओके, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट वाइट, ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड और पैडिंग जो है 4, सेव, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, बल्कि ओपन करना पड़ेगा इसको मुझे, ओपन इन ब्राउज़र। तो देखिए ब्राउज़र, बैच इन बूटस्ट्रैप 4, ओके। अगर इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूँ bg tangier, सेव, ठीक है। रिफ़्रेश करता हूँ तो इस तरीके से जो है एडिंग बन गई है इसकी। एंड गाइस यहाँ पर नीचे आऊँगा मैं और यहाँ पर एक डिव लूँगा, क्लास कंटेनर, और यहाँ मार्जिन लार्ज 5, मार्जिन टॉप से मैं जो कुछ मार्जिन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप गाइस मैं बात करूँगा कि हमारे पास जो बैचेस हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर h2 जो है हमारे पास एक जो एलिमेंट है, मैं इनकी हेडिंग है, ठीक है, और इनके ये इसके अंदर लिखता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि माई नेम इज़, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर एक स्पैन टैग लेता हूँ मैं, स्पैन, एंड यहाँ लिखता हूँ राव, ओके, ठीक है, सेफ। अगर इसको ओपन करूँ तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा बिल्कुल। अब बल्कि इसको यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ करता हूँ टेक्स्ट वाइट, सेफ, तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। माय नेम इज़ राव बिलाल। और गाइस अब स्पैन के अंदर मैं जो क्लासेस ऐड करूँगा, क्लास बैच, ठीक है, सिंपल बैच, सेव करता हूँ। अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें बैच जो है वो उसने जगह ले ली है अपनी, ठीक है। अब मैं क्लास दूसरी है बैच, अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, बैच हमारे पास है सक्सेस, ये सेकेंडरी नहीं है, सक्सेस करते हैं, सेव। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखिए बैच हमारे पास जो है वो क्रिएट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। एंड देन गाइस इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से करूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ करूँ पेस्ट, पेस्ट, फिर पेस्ट, सेव, सक्सेस के बाद मैं करता हूँ वार्निंग, ठीक है, सिंपल है बस। ये आपने क्लासेस याद रखनी है, बैच, बैच वार्निंग, ठीक है। एंड गाइस बैच वार्निंग प्राइमरी पिल नहीं, बैच प्राइमरी, सेव एंड इन्फो, सेव, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बैचेज इस तरीके से क्रिएट हो गए हैं। अगर आप गाइस चाहते हैं कि बैचेज जो हैं फुल, जैसे कि ये तो बिल्कुल हल्का सा राउंडेड है ना, अगर आप कहते हैं कि फुल राउंड हो, यानी कि अब बॉर्डर रेडियस जो है उसको, यहाँ पर हमारे पास एक क्लास होती है, ठीक है, बैच पिल के नेम से, ठीक है, पिल के नेम से, ठीक है, सेव करता हूँ। अगर गाइस मैं देखूँ तो ये देखें बिल्कुल फुल राउंडेड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, फुल गोलाई में आ जाएगा ये फुल, ठीक है। तो ये है हमारे पास बैच पिल की क्लास। तो गाइस अगर नोटिफिकेशन अगर आपने देखना हो, जैसे कि आप वो कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए गाइस आपने आना है, बल्कि मैं ऊपर ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है बटन, और बटन के अंदर आपने लिखना है यहाँ पर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, और यहाँ पर गाइस पैन टैग यूज़ करना है आपने, सेव करता हूँ। देखें अभी के लिए अगर बटन दिखाऊँ आपको,
एक सिंपल बटन है। तो यहाँ बटन के अंदर मैं बूस्ट टाइप की जो क्लासेस हैं वो ऐड करूँगा, BTN डेंजर, BTN लार्ज, ओके ओहो, BTN लार्ज सेव। ठीक है, अब देखें गाइस हमारे पास जो है वो तो क्रिएट सब कुछ हो गया इस तरीके से। तो स्पैन टैग कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं क्लासेस ऐड करूँगा बैच की, बैच, ठीक है, एंड गाइस बैच लाइट, ठीक है, सेव। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखें आपको अभी कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं मैंने। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं जैसे कि 100, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन आ गए हैं आपके पास, ठीक है, तो वो आपको कैसे शो होंगे। अगर मैं करूँ यहाँ पर रिफ़्रेश तो देखें इस तरीके से आपको जो नोटिफिकेशन जो है आपके अभी अनरीड जो होंगे वो 100 हैं। ठीक है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ करूँ बैच पिल सेव तो गाइस ये देखें बिल्कुल गोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है गाइस हमारे पास बूस्ट ऐप के अंदर बैचेस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। Thank you.